सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भारत तब भी किंतु परंतु था, लेकिन आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज हम ही क्या, सारी दुनिया कह रही है कि भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है, लेकिन थोड़ा हमको ध्यान में रखना चाहिए, शक्ति तो आवश्यक होती है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। शिव को भी शक्ति चाहिए, शक्ति का इकार चला गया तो वो शव हो जाते हैं, वो काली माता के नीचे आ जाते हैं, उनके पदस्पर्श से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो शक्ति तो आवश्यक है, लेकिन दुनिया में हमारी शक्ति क्या करेगी, दूसरों को पीड़ित नहीं करेगी, वो दुर्बलों की रक्षा करेगी, सबको धर्म देगी, सबको मतांतरित नहीं करेगी, सबको कहेगी कि ये चार तत्व है धर्म के, सत्य ये है कि हम सब एक दूसरे के हैं, हम सृष्टि के साथ एकात्मा है, एक का विकास दूसरे का विकास होता है, एक का विनाश सबका विनाश होता है, और इसलिए अपने विकास से सबका विकास हो ये देखकर अपना विकास करो। और फिर हम कहेंगे कि इस सत्य के आधार पर करुणापूर्वक, शुचितापूर्वक, परिश्रम से अपने राष्ट्र की प्रकृति के अनुसार तुम सनातन धर्म के अपने जीवन के तरीके को खड़ा करो। धर्म क्या है हम बताएंगे, भारतवर्ष में उस धर्म का रूप कैसा होगा वो हम खड़ा करके दिखाएंगे, और कहेंगे कि हो सकता है अपने देश के लिए तुम करो, हम किसी को जीतेंगे नहीं, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इसलिए महाशक्ति यह शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है, और बनना है इसलिए भौतिक वैभव की उपासना के लिए पुरुषार्थ अर्थ काम के साथ साथ मोक्ष की ओर अधिक दृष्टि रखते हुए संतों का अनुसरण, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए हम सब लोग धर्म के मार्ग पर चले इसकी आवश्यकता रहेगी। उसका स्मरण श्यामदेवाचार्य जी महाराज की जैसी विभूतियां हमको करा देती है, उसी के लिए जन्म ग्रहण करती है, वही करते हुए अपना आंशिक कार्य पूर्ण करके और पार्थिव रूप से चली जाती है, सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहकर पूर्ण होते तक अपना कार्य करती रहती है।